उदासी क्यों ऐ जाने यूं हर कदम पे गर्दिशे हैं अगर भागे तो दुख जागे आप शारे जैसे रो रही हो बेसदा हमारे मुल्क के बेहतरीन स्प्रिंटर हिस्सा ले रहे हैं जिनमें सबसे नुमाया मोहम्मद हुसैन जो अब तक मुकामी मुकाबला रेस में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं अम्मा जल्दी करो ना देर हो रही है अरे हाय चलते हैं एक मिनट मुझे तैयार तो हो लेने दो अम्मा जब अब्बा ट्रॉफी ले लेंगे हम तब जाएंगे क्या मुझे उनको ट्रॉफी लेते हुए देखना है और मुझे पता है आज मेरे अब्बा ही जीतेंगे हाँ हाँ इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा ही जीतेंगे तुम क्यों फिक्र कर रही हो मुकाबला शुरू होने में अभी पूरा एक घंटा पड़ा है फिर आगे जगह नहीं मिलती मिल जाएगी ना ना टेंशन ले बच्चों को वैसे भी वो आगे ही बिठाते हैं अच्छा बस अब जल्दी चलें बस 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 काजल थोड़ा सा रह गया था ये मैं बुंदे पहन लूं तो चली ना चल चल आ चल शाबाश चल से बेटा घर में जाना आज तो मेरी बेटी को बहुत मजा आएगा अब हाथ पकड़ाओ मुझे शाबाश पता चले तुम तो ना गिरो तुम्हारी माँ गिर जाए अम्मा बाबा कितना अच्छे लग रहे होंगे ना भागते हुए बहुत अच्छे लग रहे होंगे आप देखना मैं भी उनकी तरह स्प्रिंटर ही बनूंगी अच्छा माशाल्लाह जरूर बनोगी क्यों नहीं बनोगी हमने इतनी देर लगा दी बस बेटा घर के काम भी तो खत्म करके जाने थे ना इतना मजा आएगा हाँ ना हाजरीन मुकाबला शुरू हुआ चाहता है तमाम स्प्रिंटर अपनी अपनी जगह पे मोहम्मद हुसैन अपने इजाज का दिफा करेंगे और उनसे मुकाबले के लिए हुसैन नदी और सैयद भी तैयार हैं। इस मुकाबले के लिए तमाम लोगों ने बहुत ज्यादा तैयारी की है और जो ये मुकाबला जीतेगा उसके लिए बड़े बड़े इनाम भी रखे गए हैं तमाम लोगों का जोश और खरोश बढ़ता हुआ तमाम लोग चाहते हैं कि ये रेस मोहम्मद हुसैन ही जीते पिछले मुकाबलों की तरह तो नाज़रीन रेस शुरू हो जाती है ऑन योर मार्क गेट सेट गो और नाज़रीन मोहम्मद हुसैन सबसे आगे नदीम उनके पीछे सैयद भी उनके पीछे भाग रहे हैं मोहम्मद हुसैन सबसे आगे आगे लगता है इस मतलब वही जीत जाएंगे और मोहम्मद हुसैन काफी आगे निकल चुके हैं उनके पीछे कोई भी नहीं है और मोहम्मद हुसैन ने ये रेस हमेशा की तरह जीत ली मोहम्मद हुसैन इस मतलब भी विनर करार पाए हैं सागर 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 सागर
नूरी। मुझे बताते अब्बा, क्या आज की रेस तुम ही जीतोगे? वो कैसे? मैंने अल्लाह में ऐसे दुआ मांगी थी। क्या आज की रेस तुम ही जीतो? आवाज हमेशा गोल्ड मेडल भी हमारे ही घर आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो थैंक यू। पहले ये मेडल तो ले लें। अब्बास तो मजा आ गया। अच्छा, ये सब मेरी बेटी की दुआओं का नतीजा। चल शाबाश, अब तेरी पढ़ाई का वक्त हो गया, दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है? शाबाश। चलो मोहम्मद हुसैन, लाओ जी लाओ, रखो टेबल पर। क्या बात है, आज किन सोचों में गुम हो तुम? किसी सोच में नहीं। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि कुछ बात है। अगर परेशानी वाली बात है तो बताओ। नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं मोहम्मद हुसैन, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी। क्या? तुम बाहर के मुल्क जब ट्रॉफी जीतोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, तो सबसे पहले उन पैसों से मैं अपने घर की छतें बनवाऊंगी। तुम्हें याद है ना, पिछले साल जब बारिशें हुई थी तो हमारी छतें कितना टपकी थी, सारी रात हम दोनों जागते रहे, और तो और मेरे सारा जहेज का सामान भी खराब हो गया था। बिल्ली को हमेशा छिछड़ों के ख्वाब आते हैं और तुम्हें हमेशा पैसों के। तुम पैसों के अलावा कभी कुछ नहीं सोचते। मत भूलो रेहाना बेगम, मुझे ना सिर्फ अपना बल्कि अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करना, इसके सिवा मुझे और कुछ याद नहीं रहता। लेकिन खाली नाम से पेट थोड़ी भरता है। अगर किस्मत में पैसा होगा तो मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मोहम्मद हुसैन को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन स्प्रिंटर बनना है। तुम इसको पागलपन कहो तो कहती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खाली पेट पूरा चांद भी रोटी की तरह गोल ही नजर आता है। बेवकूफ औरत, ये बादल 10-15 दिन के लिए आते हैं, बरस के चले जाते हैं, दरिया उतर जाते हैं, गीली जमीन सूख जाती है, हाथ में आया हुआ पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया में कुछ करके जाए ना, तो जाने के बाद भी उसका नाम बाकी रहता है। और जिसे सोना रब नाम और इज्जत दे, उससे दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं होता। वो तो ठीक है, लेकिन मोहम्मद हुसैन। जब वो ठीक है मोहम्मद हुसैन, तो फिर ये लेकिन वेकिन क्या? और क्यों भूल जाते हो कि मेरी बेटी नूरी हर रोज अपने अब्बा के लिए दुआ करके सोती है, और उसकी दुआएं रंग लाएंगी। तेरा घर एक दिन पैसों से भर जाएगा, लेकिन जरा सबर से काम ले, क्योंकि सबर का फल मीठा, जैसा कि ये दूध मीठा है ना। मैंने तो इसमें जरा भी चक्कर नहीं मिलाई। झूठ। तुम पढ़ो, मैं देखती हूँ कौन आ गया। अस्सलाम वालेकुम गुल बीबी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बहुत दिनों बाद तुमने चक्कर लगाया। हाँ बस ऐसे ही है। वालेकुम सलाम। वो घर पर है, बैठो। मैं तो रेहाना तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी।
कि तेरा मर्द एक बार फिर मुकाबला जीत कर आए। खैर मुबारक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मोहम्मद हुसैन मुकाबले में अव्वल आया। नूरी बेटा, किताबें सारी बिखरी पड़ी हैं तुम्हारी, तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा वो जरमीना अकेली होगी ना, मैं खेलने जा रही हूँ उसके साथ बाहर, आकर समेट दूंगी। ये जरमीना का नाम सुनते ही ये लड़की पागल हो जाती है। पता नहीं ये जरमीना के साथ कौन सा खेल खेलने जा रही है, वो तो खेल ही नहीं सकती, वो सिर्फ बैठकर उछलते कूदते खेलते बच्चों को देखती रहती है बस। देखो गुलबीबी, कभी कभी माँ बाप की जरा सी गफलत से बच्चों को सारी जिंदगी के लिए दुख उठाना पड़ता है। जब नूरी पैदा हुई थी ना, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको पूरे टीके लगवाने हैं, एक टीका भी नहीं छोड़ना, और अगर कभी मैं टीका लगवाना भूल जाती थी ना, तो मोहम्मद हुसैन खुद जाकर टीका लगवाता था, और तो और बकायदा कैलेंडर पर निशान लगाता था। बस रेहाना, हमारी तो सारी जिंदगी इन पहाड़ों पर गुजर गई, दाई घर आती थी, बच्चे पैदा हो जाते थे, हमने तो कभी इन टीकों वीकों का नाम ही नहीं सुना। अच्छा चलो छोड़ो, बहुत दिनों बाद आई हो तुम, आज तो तुम खाना खाकर जाओगे। चलो तुम्हारी खुशी है तो ऐसे ही सही। चलो रे, अब मैं थक गई, थोड़ी देर तक खड़े हो जाते हैं। नूरी, मैं शुरू से तो लंगड़ी नहीं हूँ, फिर सब बच्चे मुझे लंगड़ी कहकर क्यों चिढ़ाते हैं? पता है मुझे, अम्मा ने बताया था कि तुझे बहुत तेज बुखार हुआ था, उसके बाद तेरी एक टांग कमजोर हो गई थी। मैं खुद से तो लंगड़ी नहीं हूँ, फिर क्यों बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं नूरी? बुरी बात, रोते नहीं है। मेरे अब्बा कहते हैं ये दुनिया ना बहादुर लोगों का साथ देती है, और इंसान को ना मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। अब तो मेरे अब्बा को ही देख ले, वो बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के लाते हैं जंगलों से, कितने बहादुर हैं। देखना मैं भी बड़ों के बहादुर बनूंगी और तुझे भी बहादुर बनाऊंगी, तू मेरी सहेली जो है। एक टांग वाले कहाँ बहादुर बन सकते हैं, मेरी एक टांग बहुत कमजोर है। नहीं, अब्बा कहते हैं कि जो हिम्मत वाले होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। चल अब हिम्मत कर, घर चलते हैं। नूरी, मैंने तो कभी पोलियो का नाम भी नहीं सुना था, मुझे क्या पता था कि ये कमबख्त इतनी मोजी बीमारी है। अभी तो जरमीना बच्ची है, मैं सोचती हूँ कल को जवान होगी तो उसे कौन ब्याने आएगा। कैसी मायूसी की बातें कर रही हो बिल्कुल, जो बच्चा इस दुनिया में आता है ना, वो अपने नसीब अपने साथ लाता है, तू माँ है, वह क्या कर। एक तो बेटी, ऊपर से माजूर। कैसे कुफर तोल रही हो, अगर तुम ही बेहिम्मती दिखाओगी तो जरमीना का क्या बनेगा? देखो गुलबी, इस दुनिया में गुंगे बहरे सब काम कर रहे हैं, बल्कि इस दुनिया में अच्छे भले लोग माजूरों की तरह बैठकर हड़हरामी करते हैं, और माजूर लोग अपने हुनर से, अपने सलीके से, अपनी अकलमंदी से अपने आप को मनवाते हैं। और मोहम्मद हुसैन कहते हैं जीने के लिए हिम्मत चाहिए, किसी को आसान जिंदगी नहीं मिलती, वो मुझे भी यही समझाता है और नूरी को भी। वैसे उसकी ये बात दिल को लगती है गुलबीबी, अल्लाह ने इंसान पैदा किए हैं तो आजमाइशें भी तो आएंगी ना, हम कोई फरिश्ते थोड़ी हैं जो एक साइड पर खड़े होकर बस तस्बीह करते रहें। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। वालेकुम अस्सलाम, मेरा पुत्र क्या हाल है? आज आपने फिर से देर कर दी, अब हर इतवार को देर कर देते हैं।
देखा, जो सवाल मैंने तुमसे पूछना था वो तुम्हारी बेटी ने पूछ लिया। इतनी देर से क्यों आए हो आज तुम? तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो कि एशियन चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दिनों को पर लग गए, लेकिन दिन रात एक ही ख्वाब सोच रहा हूँ कि मुझे ये चैंपियनशिप, ये मेडल जीत के ही इस धरती पे कदम रखना है। इंशाल्लाह। मैंने अपने स्कूल में भी सबको बता दिया है। अच्छा? कि मेरे अब्बा एशियन मेडल जीत कर आएंगे। अभी से बताने की क्या जरूरत थी नूरी, जब जीत कर आएंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? भाई मुझे और मेरी बेटी को पूरा यकीन है। देखो शक मुझे भी नहीं है, लेकिन पहले से बताने से टोक लग जाती है। जहाँ बहुत सारे लोग खुश होने वाले होते हैं ना, वहाँ बहुत सारे लोग जलने वाले भी होते हैं। नूरी पुत्र, एक बात तो बता, इन औरतों को वहम की बीमारी क्यों होती है? और बेवकूफ औरत, तो सिर्फ दुआ कर, इंशाल्लाह इस बार एशियन चैंपियनशिप का मेडल मोहम्मद हुसैन और पाकिस्तान के नाम रहेगा। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के बाद बहुत भूख लगती है और भूख का एक ही इलाज है, कुछ खाया जाए। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, आ बेटा बैठ। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही नूरी पुत्र, ए फॉर एप्पल और बी फॉर क्या होता बॉय, बी फॉर बेबी क्यों नहीं होता? हेलो, क्या डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद हुसैन की बीवी हूँ, होश आया उन्हें? कभी सुबह जले कभी शाम चले कभी सुबह चले। अम्मा फोन बज रहे। नूरी बेटा तुम बैठ के पढ़ो, मैं देखती हूँ। हेलो, क्या मोहम्मद हुसैन का एक्सीडेंट? कैसे हुआ? क्या हुआ अम्मा? मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी चल बेटा, अस्पताल जाना है। जल्दी आजा, जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद हुसैन की बीवी हूँ, होश आया उन्हें? कैसी है वो? अब्बा कहते हैं जो बहादुर होता है वो नहीं रोते, और मेरे अब्बा भी तो कभी नहीं रोए क्योंकि वो बहादुर हैं। क्यों रो रही हो अम्मा? अब्बा जिंदा तो है ना? अल्लाह ना करे तुम्हारे अब्बा को कभी कुछ हो। फिर क्यों रो रही हो? मैं अब्बा से शिकायत करूंगी, क्या वो बिल्कुल भी बहादुर बच्ची नहीं है, बहुत रोती है। देखो
मैं भी नहीं रो रही, मैं बहादुर जो हूँ। रहाना हौसला कर। कहाँ से हौसला लाऊं गुल बेबी? मुझे डॉक्टर ने जब से बताया कि मोहम्मद हुसैन का हाथ साया हो गया और जहर तेजी से फैल रहा है, उसका हाथ काटना पड़ेगा। मैं कहाँ से लाऊं हौसला? मेरी तो दुनिया लुट गई गुल बेबी। हौसला करना पड़ेगा, बेटी की तरफ देख, बच्ची परेशान है। मेरी बेटी बहुत बाहिम्मत है, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया गुल बीबी। नूरी, नूरी, जमीना, जमीना अब्बा को अभी तक होश नहीं आया, बेहोश है। डॉक्टर उनसे मिलने की इजाजत भी नहीं दे रहे। उन्हें ज्यादा चोट लगी होगी ना, इसलिए बेहोश हैं। तो एक्सीडेंट में तो ज्यादा ही चोट लगती है। कि तुम देखना, मेरा अब्बा चोट लगने से रोते नहीं है, वो बहादुर है ना। कैसे कैसे ख्वाब देख रहा था मोहम्मद हुसैन, और मैं बेवकूफ बारिशों से डर रही थी, तूफान आ गया मुझ पर। गुल बीबी तूफान आ गया मुझ पर। हौसला कर, हौसला कर, अपनी बच्ची को देख। उसी का तो ख्याल है, जब उसे पता चलेगा उसके पापा का एक हाथ नहीं है तो उस पर क्या गुजरेगी। तुम्हारी अम्मा इतना क्यों रो रही हैं? बहादुर बच्ची नहीं है ना, इसलिए। तुम जाकर उन्हें चुप कर रहा हो ना। अम्मा नहीं मानती तो बहादुर हूँ, इसलिए नहीं रोती। जब बच्चे मुझे लंगड़ी कहकर चिढ़ाते थे ना, तो मैं भी रेहाना खाला की तरह बहुत रोती थी। फिर मुझे याद आता था कि नूरी ने रोने से मना किया है, तो मैं खुद ही चुप हो जाती थी। देखना, तुम भी मेरी तरह एक दिन बहादुर बच्ची बन जाओगी। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम रोती भी नहीं हो। अपने अब्बा की तरह हूँ ना, इसलिए। रहाना, रहाना, तेरी बेटी तुझसे ज्यादा हिम्मत वाली है, तो खुद ही तो कहती है। है तो मासूम ना। मोहम्मद हुसैन, ये दूध रख दो। मोहम्मद हुसैन, ये दूध पीना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है ना, तुमने कल से कितनी गर्म दवाइयाँ खाई हैं। शुक्र अभी तक सो रही है, उठी नहीं, वरना बहुत बोलती है। मेरी बेटी को कुछ ना कहा कर, बड़ी ही ज़हीन बच्ची है, इसीलिए इतने सवाल करती है। बेटी को इतना सर पर मत चढ़ाओ मोहम्मद हुसैन, बेटी साथ है, कल को इसने पराए घर जाना है, इसकी शादी होनी है। नहीं, मेरी बेटी अपने अब्बा को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाएगी। नूरी की आंखें मेरे ख्वाबों को अमानत की तरह संभाल लेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? जब वक्त आएगा तुम्हें मतलब भी समझा देंगे। मुझे तो अब हर वक्त इस घर की फिक्र लगी रहती,
बेटी का साथ है, एक दिन उसने जवान भी होना। मुझे तो फिक्र से अब रात भर सुकून से नींद भी नहीं आती। यहाँ पर सारे हमारे जैसे लोग रहते हैं, कम कपड़ा खरीदते हैं, कम सिलवाते हैं, और मुझे सिलाई कढ़ाई के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हमारा गुजारा कैसे होगा? वही बंदोबस्त करेगा जिसने आजमाइश में डाला है हमें। तू फिक्र क्यों करती है मोहम्मद हुसैन? अगर परिंदा घोंसले से निकलकर दाना चुगने नहीं जाएगा तो मनोसलवा तो नहीं आएगा ना। खैर, आज मैं गांव की औरतों से बात करती हूँ कि कहीं मुझे कोई काम ही दिलवा दें। किसी के घर सफाई कर लूंगी, कम से कम इतना तो आ जाएगा कि घर का खर्चा चल जाएगा। क्या क्या तू अब लोगों के घरों का कान साफ करेगी? मेहनती की हर जगह इज्जत होती है मोहम्मद हुसैन, और वो अपनी नजर में भी इज्जतदार बन जाता है, और किसी के सामने हाथ फैलाने से इंसान के पल्ले कख नहीं रहते। अल्लाह बचाए ऐसी मुफलसी से। कभी कभी शाम चले, कभी सुबह शाम के बाद चले। रेहाना, तू तो अच्छी खासी हुनर वाली औरत। कौन पूछ रहा है मेरे हुनर को? तुझे तो अच्छा भला पता है सिलाई कढ़ाई के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है, और यहाँ पे सारे लोग हमारे जैसे रहते हैं, कम कपड़ा खरीदते हैं, कम सिलवाते हैं, सुबह की खाकर शाम की फिक्र लग जाती है उनको। मैं तुझसे ये कब कह रही हूँ कि तू घर में बैठकर सिलाई का इंतज़ार कर। तो फिर मैंने ना रेहाना 8 साल एक घर में काम किया था, फिर जोड़ों के दर्द की वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। उस घर की मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी, वो इस तरह से लोगों के घरों से सिलाइयाँ करवाती थी और फिर वो अपनी दुकान पर रख कर बेचती थी। इस्लामाबाद में उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, वो क्या कहते हैं उसे, बुटीक। हाँ वही, तू तो पढ़ी लिखी है ना, 4 जमातें पढ़ी हुई है, तुझे पता है मैं तो बस चिट्टी अनपढ़ हूँ। देख गुलबीबी, मुझे उससे मिलवा दे, ये काम तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, शायद मेरी बात बन जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुझे मिलवा दूंगी उससे, लेकिन पहले तू मोहम्मद हुसैन से तो पूछ ले। मोहम्मद हुसैन से मैंने कल बात की थी, वो कह रहा था देख लो तुम। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो ऐसा कर, उसका पता बता दे मुझे, मैं कल ही उससे मिलूंगी। अच्छा ठीक है रेहाना, मैं अब चलती हूँ। कभी सुबह चले। अनबिलीवेबल, दिखाओ तो। वाह जी वाह, ये तुमने खुद बनाया रेहाना? जी जी, मैंने खुद बनाया, और बाजी मैं सिलाई भी बहुत अच्छी करती हूँ। भाई बहुत ही खूबसूरत, तुम्हारे हाथ में तो कमाल की सफाई है। कहाँ छुपी बैठी थी मैं तुम जैसी औरतों को ढूंढती फिरती हूँ। बस जी, हालात आपके दरवाजे तक ले ही आए। तुम जैसी औरतों के हालात बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। मेरे पास बहुत काम है, और मेरा काम जो है ना वो अब्रॉड भी जाता है। बस समझो, तुम तो एक मिनट के लिए फारिग नहीं होगी, काम ही काम। और मैं काम से नहीं घबराती, आप आजमा कर देख लीजिएगा। गुड भाई, गुलबीबी ने तो कोयले की कान से मेरे लिए हीरा निकाल कर भिजवा दिया। बहुत औरतें मेरे पास काम करती हैं, लेकिन इतना साफ काम कोई नहीं करती। देखो तो, ऐसे रेशम का काम करती हो
جیسے کہ برش سے پینٹ کیا ہوا. جی شکریہ. اب میں نے جب تمہیں ہائر کرنا ہے نا, جو کہ سمجھو کر لیا, تو یہی پیس 100 عدد بنا کر دینے تمہیں مجھے, ٹھیک ہے؟ اسی کمبینیشن کے ساتھ. کبھی صبح چلے کبھی شام چلے کبھی صبح شام کے بعد چلے کہیں راکھ نہ ہو کے. محمد کیا ہوا ہے, کیوں پریشان؟ ریحانہ, میرے ساتھ بس ویسا ہی ہوا ہے جیسے کوئی بہت تیز بھاگ رہا ہو اور بھاگتے 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 اچانک بیٹھ گیا. زمین نے میرے لیے گردش کرنا بند کر دیا ہے ریحانہ. لیکن محمد حسین, زندگی تو گزارنی ہے نا. صحیح کہا تو نہیں ریحانہ, زندہ انسان تو اپنی ہمت کی وجہ سے زندہ کہلاتے ہیں. اگر انسان میں ہمت نہ ہو تو جی ہمارا برابر. محمد حسین, تمہیں دیکھ کر تو میرے ہاتھوں پاؤں میں ہمت آتی ہے, حوصلہ آتا ہے. یاد رکھنا ریحانہ, ہماری ایک بیٹی ہے نوری حسین. ہمیں مل کر اسے سکھانا ہے کہ ہمت سے زندگی کیسے گزارتے ہیں, جیسا تو گزار رہی ہے. تیرا کام میری اس معذوری کی وجہ سے ڈبل ہو گیا ہے, میرے حصے کا کام بھی کرتی ہے تو. تو میری فکر نہ کیا کر, شکر ہے اس سونے رب کا جس نے میرے ہاتھوں پاؤں میں اتنی طاقت دی کہ میں اس مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں. اللہ تجھے اس کام کا اجر دے گا. کبھی صبح چلے کبھی صبح چلے. محمد حسین اگر ایشین چیمپئن شپ میں حصہ نہیں لے سکا تو کیا ہوا؟ اس کی بیٹی نوری وہ تو چیمپئن بن سکتی ہے نا. نوری حسین ایشین گولڈ میڈلسٹ, اپنے بابا کا خواب پورا کرے گی نا. شاباش. کبھی صبح چلے کبھی ہم اپنے